हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहाश गुलबर्गा। बड़ी खबर ला रहे हैं आपके लिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग इस पर चिंतित हो रहे थे कि नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट होगा या नहीं। हाल ही में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की सभी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग, उसके बाद तय पा गया सबसे पहले कि नाइट कर्फ्यू से नाम ना रखें, इसे कोरोना कर्फ्यू करें। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सभी स्टेट से कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए और टेस्ट ट्रैक और ट्रेस का जो मामला चल रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। वहाँ मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। तो बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान आते हुए 10 अप्रैल से शुरू होगा कोरोना कर्फ्यू और चलेगा 10 दिन यानी 20 अप्रैल तक, जहां पर रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू। जी हां, अब नाइट कर्फ्यू को हम कहेंगे कोरोना कर्फ्यू। जी हां, पीएम मोदी की हाल ही में आई हुए इस मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया है। और कई सारे कर्नाटक के सिटीज़ के अंदर, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा, बिदर, मैंगलोर, तुमकुर, उडुपी और मणिपाल के अंदर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। बने रहिए गोहाश के साथ, जहां पर हम आपको देंगे एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो कि फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल रहेगी।